लेट्स डिस्कस सोडियम क्लोराइड। अब देखिए, सोडियम क्लोराइड इज कॉमनली कॉल्ड एज ए टेबल सॉल्ट। याद रखें, इट इज कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट, या फिर इसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अब लार्ज स्केल में इसको तो हम बनाते हैं बाय सोलर एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, याद रखें। सो कमर्शियली इट इज ऑप्टेन्ड बाय सोलर एवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। यानी सी वाटर को कलेक्ट करो और उसका पानी जो है वो इवेपोरेट होने दो, तब जाके NaCl डिपॉजिट होगा। लेकिन जो क्रूड NaCl होगा उसमें इंप्यूरिटीज होंगे। सो देखिए क्रूड NaCl सो ऑब्टेन्ड कंटेन्स इंप्यूरिटीज ऑफ वॉट CaSO4, CaCl2, MgCl2, एक्सेट्रा। सो इट इज प्यूरिफाइड बाय पासिंग HCl गैस थ्रू सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। ऐसा करने से क्या होगा, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट प्योर NaCl गेट प्रेसिपिटेटेड। याद रखें, अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ NaCl। तो इसमें बता सकते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, याद रखें, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1081 केल्विन। इट इज सोल्यूबल इन वाटर। दैट इज, अब सोल्यूबिलिटी की बात करें तो अबाउट 36.09 इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 273 केल्विन। अब इसको जब हम हीट करेंगे तो व्हेन हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2, याद रखें Cl2 इज लिबरेटेड, यानी क्लोरीन गैस का लिबरेशन होगा। इसे कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं। सो NaCl इन MnO2 एंड H2SO4 व्हेन वी ट्रीट, तो हमें मिलेगा MnSO4, उसके बाद Na2SO4, वाटर एंड Cl2 गैस गेट रिलीज। अब बात करेंगे यूजेस की। सो यूजेस में सबसे पहले फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी हम हमारे जो डेली डाइट है उसमें इसको यूज करते हैं। सो इन प्रिपरेशन ऑफ Na2O2, उसके बाद Na2CO3, उसके बाद NaOH, एक्सेट्रा। देन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फिश एंड मीट, एक्सेट्रा। उसके बाद में फॉर सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप। तो इतने पोटेंशियल एप्लीकेशन हम बता सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट NaCl। लेट्स डिस्कस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग CO2 गैस थ्रू द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ Na2CO3। सो इट इज प्रिपेयर्ड by saturating solution of
Na2CO3 with CO2। अब इसमें क्या होगा, व्हाइट पाउडर जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रोड्यूस होगा, वो वाटर में कम सोल्यूबल होने के वजह से दैट विल गेट डिपॉजिटेड। सो व्हाइट पाउडर ऑफ NaHCO3 गेट सेपरेटेड एज इट इज लेस सोल्यूबल इन वाटर। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम लोग शो कर सकते हैं, टेक Na2CO3 सोल्यूशन, इनफैक्ट एक्वियस सोल्यूशन, और इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करिए। ऐसा करने से हम लोगों को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो मिलेगा। अब बात ये है, लेट्स डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ इट। सो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ NaHCO3। तो सबसे पहले बात ये याद रखें, अगर हम हीट करते हैं तो अपॉन हीटिंग इट वुड गिव सोडियम कार्बोनेट। सो ऑन हीटिंग इट फॉर्म्स Na2CO3 अलोंग विद CO2 गैस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगा। सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर, NaHCO3। इसको आप हीट करिए, हीट करने से हम लोगों को Na2CO3 मिलेगा विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड वाटर। अब इसका जो एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसका नेचर बेसिक होता है, याद रखो। सो इट्स एक्वियस सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, उसका नेचर बेसिक होगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, NaHCO3 prefer to react with water producing NaOH along with H2CO3, then hydrolysis होगा। तो hydrolysis के वजह से solution basic होगा। So let's see uses of NaHCO3। तो सबसे important और पहला use हम बताएंगे, it is used in fire extinguisher। So in fire extinguisher, सो अगर आग लग गई हो तो उसे बुझाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसको बेकिंग पाउडर में भी इस्तेमाल किया जाता है। सो इन बेकिंग पाउडर, सो जिसका उपयोग हम बेक्ड गुड्स बनाने के लिए करते हैं। उसके बाद इसे हम एंटासिड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं, यूज एज एंटासिड। यानी मान के चलो एसिडिटी बढ़ गई है, तो एसिडिटी कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।